मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे फिरोजाबाद, 248 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। विकास के पथ पर अग्रसर फिरोजाबाद थीम पर हुआ कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद अनिल कुमार जैन भी रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। लोकसभा सांसद चंद्रसेन जादौन भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। ब्रज प्रदेश अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के बगल वाली सीट पर बैठे रजनीकांत माहेश्वरी ब्रज प्रदेश अध्यक्ष ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में की जनसभा। फिरोजाबाद सदस्य विधायक मनीष असीजा ही रहे मंच पर मौजूद। टूंडला विधायक प्रेम पाल धनकर भी रहे मंच पर मौजूद। के रूप में भारत की अपनी पहचान होगी। दुनिया के G20 के देश, वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के सीपीसी संसाधन एक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शांति, सौहार्द और समृद्धि की रणनीति तैयार करेंगे। भारत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सौभाग्य मिलेगा और भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भैया, फिरोजाबाद आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान पहले सस्ता कि यहां के पूर्वजों ने, यहां के लोगों ने ग्लास उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। जिन महापुरुषों ने, जिन कारीगरों ने, जिन हस्तशिल्पियों ने फिरोजाबाद से इसका केंद्र बनाया था, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, समय के अंदर लोग राजनीतिक नेतृत्व को प्राप्त करते गए लेकिन फिरोजाबाद की इस पहचान को भी निकालते गए। यहां का आलू किसान हो या यहां का क्लास उद्योग में लगे हुए हस्तशिल्पी और कारीगर हो, इनको लोगों ने भुला दिया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद का क्लास का उद्योग फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है और आज तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद का क्लास उद्योग फिरोजाबाद से कर रहा है। उसको तकनीक के साथ जोड़ने,